Hello everyone and welcome back to HTML and CSS from beginners to advanced. So last videos में हम लोगों ने standard structures of HTML के बारे में देखा, तो आइए पहले जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले doc type HTML लिखा, जिससे हम लोगों ने बताया कि मेरा जो document है वो HTML 5 का है। फिर मैंने बताया आप लोगों को tags के बारे में, HTML tags, head tag, title tag। मैंने head tag को बताया कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह आता है, आपके डॉक्यूमेंट का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो हेड टैग के अंदर आता है। फिर मैंने इसमें मेटा कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि ये कैरेक्टर्स इनकोडिंग बताता है। फिर मैंने बॉडी टैग आप लोगों को बताया, और फिर लास्ट में मैंने बताया कि ये केस इनसेंसिटिव होता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने टैग्स को लोअर केस में भी लिख सकते हैं एज़ वेल एज़ अपर केस में भी। फिर हम लोगों ने अपनी पहले वेबसाइट को रन कराई और हम लोगों ने यहाँ पास देखा आपका टाइटल टैग जो माय फर्स्ट वेबसाइट था, और मैंने यहाँ पास आप लोगों ने देखा कि आपके बॉडी टैग वगैरह को। आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूँ। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जैसे कि ये हमारा टैग है, ये जितना भी हमारा टैग होता है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऐड कर दिया जाए तो उसी को एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कितने तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत एट्रीब्यूट होते हैं, मैं कुछ कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे बॉडी टैग में मैं लिखता हूँ बॉडी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पास आकर के अपना चेक करता हूँ, रिफ्रेश। ये देखें हमारा जो भी लाइन था वो अब सेंटर में आ चुका है। इनफैक्ट मैं इस वेबसाइट को ऐसे ऐसे कर लेता हूँ साइड टू साइड। ओके, अब ये अच्छा दिख रहा है। मैंने यहाँ पास एक एट्रीब्यूट लगाया बॉडी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, और फिर मैंने देखा कि मेरा जो वेबसाइट था उसमें भी ये सेंटर में आ गया है। एट्रीब्यूट का यही काम होता है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपके टैग्स के अंदर होता है। तो ये था एट्रीब्यूट। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ पैराग्राफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। पहले ये जो मेरा बॉडी टैग है इसमें हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट पेज लिखा है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और दो तीन बार इसे पेस्ट कर देता हूँ। ग्रेट ग्रेट, और मैं इसे फिर सेव करता हूँ। फिर मैं आके इधर देखता हूँ, रिफ्रेश द पेज। ओके, जैसा आप देख सकते हैं ये तो सेंटर में था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा सारा मैंने जो लिखा वर्ड्स वो सारे एक ही लाइन में आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। मैं इन्हें क्या करता हूँ, अलाइन हटा देता हूँ मैं यहाँ पास से। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने क्रोम में, अगेन रिफ्रेश। ये देखिए हमने तो यहाँ पास अपने कोर्स में एक लाइन में तो नहीं लिखा था, हम लोगों ने तो चार अलग अलग लाइन में लिखा हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। मगर जब मैंने इसे आउटपुट रन कराया तो हम लोगों ने पाया कि ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि HTML जो होता है वो आपके स्पेस वगैरह से उसको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब HTML कोड्स चाहता है आपके कि आप यहाँ पास कुछ कैड टैग बताओ, कुछ कोड्स लिखो जिससे मैं जानूँगा कि अच्छा ये लाइन ब्रेक किया है अभी, अच्छा ये दूसरा लाइन है। तो यहीं पास मैं जैसे पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करता हूँ आप लोगों को कि पैराग्राफ होते हैं क्या है। तो जैसे मैं एक और ये बना लेता हूँ, पैराग्राफ्स क्या होते हैं मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। पहले पैराग्राफ का मैं टैग बना देता हूँ पी, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये है मेरा पैराग्राफ टैग, और मैं इसे कॉपी वापस करता हूँ और इस पैराग्राफ टैग में आकर के पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आते हैं रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ इन लोगों ने क्या किया कि मैंने इसे पैराग्राफ टैग में डाला और यहाँ पास इन लोगों ने एक अलग इसे पैराग्राफ ही दे दिया है।
सो पैराग्राफ टैग यही होता है, वो बताता है कि ये साइट में मेरा ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक पूरा लाइन है। जब तक ये पैराग्राफ नहीं बना, मतलब ये एक पूरा लाइन है, अब हम इसे तोड़ सकते हैं पैराग्राफ में। या फिर मैं बताता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा ही देता हूँ। वेट, हाँ, और मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कोर्स में सारे पैराग्राफ ही रखता हूँ, अलग अलग पैराग्राफ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ग्रेट। मैं इसे वापस सेव करता हूँ, लेट्स सी द आउटपुट, रिफ्रेश। तो ये देखिए, इसने हमारे पेज में चार पैराग्राफ बना लिया है। मैं इसे साइड बाय साइड ही कर देता हूँ, ग्रेट। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये तो हमारा पैराग्राफ है, मगर आप अपने पैराग्राफ में अगर चाहते हैं कि मेरा एक लाइन है, अब मैं यहाँ पास सेकंड लाइन लिखूँ, तो ये तो फिर भी एक ही लाइन में लिखाता चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक टैग। अब ब्रेक टैग क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने टैग ओपन किया, ग्रेट, ये है हमारा ब्रेक टैग। अब हम वापस आते हैं अपने वेबसाइट में और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। दिस से मैंने यहाँ पास ब्रेक कराया, जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पास दिस से वो ब्रेक हो गया लाइन। यही है ब्रेक टैग का फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर, आपने तो ब्रेक टैग यूज़ किया भाई, मगर ओपन किया टैग को और क्लोज तो किया ही नहीं। यहाँ पास मैं आप लोगों को दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ब्रेक टैग और ऐसे ही कुछ और टैग्स हैं, इन लोगों को एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे टैग दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट्स जो कंटेन करते हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया। तो ये देखें, ये बॉडी टैग मेरा इन सारे टैग्स को कंटेन कर रहा है, तो ये कंटेनिंग एलिमेंट हो गया है। जैसे पैराग्राफ टैग मेरा, ये भी इतने चीज़ों को कंटेन कर रहा है, तो ये कंटेनिंग एलिमेंट हो गया। मगर एम्प्टी एलिमेंट जैसे BR टैग हो गया, ये एम्प्टी एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे क्लोज नहीं किया जाता और ये कुछ कैरी नहीं करता है अपने अंदर, कुछ कंटेन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसे एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसे ही मैं एक दो और एम्प्टी एलिमेंट्स बता देता हूँ आप लोगों को। एक और एम्प्टी एलिमेंट हो गया HR। ये क्या करता है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ कर देता है। आइए अब हम अपने वेबसाइट्स को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, इसने हमारे पेज में एक हॉरिजॉन्टल रूल ऐड कर दिया है। इसे कहते हैं HR टैग। ये भी एम्प्टी एलिमेंट होता है, जैसा आप देख सकते हैं। ये रही बात पैराग्राफ और एम्प्टी एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग्स क्या होते हैं, अगर आपको अपने वेबसाइट में हेडिंग देना है तो उसका क्या कोड लगाना होगा। आइए वही जानते हैं हम लोग। तो HTML में 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं। मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ हेडिंग्स को, के H1, ये देखिए H1, ओके, मैंने यहाँ H2 पहले ही लिख दिया, H1। फिर मैं इसे क्लोज करता हूँ H1। अब मैं इसे पूरे को कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट। कॉपी पेस्ट आप लोगों का बहुत अच्छा साथी बनने वाला है नियर फ्यूचर में। H2, ग्रेट। H3, H3, H4, मैंने क्लोज कर दिया, H5, एंड देन H5, एंड एट लास्ट S6। आप लोग इसके डिफरेंस को खुद समझ जाएंगे, मैं एक एग्जाम्पल बस दिखाऊंगा। तो देन H6 अगेन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, उनमें कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ। हे वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल दिए इनमें, पेस्ट हेयर ऑल्सो, पेस्ट हेयर, ओके। अब हम रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को और आते हैं अपने क्रोम पेज में। इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास,
ये मेरा पहला H1 हो गया है, हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट वेव, जो सबसे बड़ा लिखाया है, देन H2, देन H3, H4, H5 एंड एट लास्ट H6। सो ये हमारा हेडिंग टैग था, आप लोग समझ गए होंगे, हेडिंग टैग जो बताता है कि मेरे साइट की हेडिंग्स क्या हैं। मैं अपना हेडिंग कहीं भी देना चाहता हूँ, पैराग्राफ का मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो वही H1 टैग, H2 टैग, आपके साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, आप किस साइज़ में डालना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप H1, H2 ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये थी बात हेडिंग्स की। नाउ अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं, लास्ट चीज़, एक कमेंट टैग के बारे में। आखिर कमेंट टैग क्या होता है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे मैंने बहुत सारे कोड लिख दिए हैं, ठीक है, अब मेरे को जानना है कि यहाँ तक जो मेरे कोड्स थे वो थे पैराग्राफ के, और यहाँ तक जो अब मेरे कोड्स होंगे वो होंगे हेडिंग्स के। जैसे लेकिन ये मैं तो यूज़र को नहीं बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरे पैराग्राफ्स थे और वहाँ तक मेरे हेडिंग है, तो मैं कमेंट आउट करता हूँ जो सिर्फ मुझे दिखता है। सो जैसे मैं कमेंट आउट करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ, लेट्स से मैंने इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया। ओके, आप इसे कंट्रोल के से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के से, मगर मैं रैंडमली भी टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलो। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ बिगिंस, और फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पास एक और हेडिंग लगाता हूँ, पैराग्राफ एंड्स। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं अपने वेबसाइट में आता हूँ, रिफ्रेश। ओके, द पेज स्टिल रिमेन्स सेम। सो यहाँ हमें क्या पता चला कि कमेंट टैग यूज़र्स तक नहीं जाएगा, मगर ये आपके कोड एडिटर में है और आपको एक तरह का कंफर्ट देता है कि आपको पता चलता है कि कहाँ पास मेरा पैराग्राफ बिगिन हुआ, या फिर कहाँ पास मैंने कोड्स में ये चीज़ डाला है। ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होता है कमेंट टैग। अगर आप किसी चीज़ को अपने वेबसाइट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैं इस लाइन को अगर नहीं करना चाहता हूँ शो, तो मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट कर दूंगा। अब ये मेरा यूज़र तक नहीं जाएगा, मगर ये सिर्फ मेरे पास है, और मैं नियर फ्यूचर अगर कभी इस टैग को अपने शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इसका कमेंट हटा दूंगा। वैसे ही मैं जैसे यहाँ से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पास से मेरा हेडिंग्स टैग बिगिन हुआ है, तो मैं यहाँ पास हेडिंग कर देता हूँ, हेडिंग बिगिन्स, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पास पेस्ट कर देता हूँ, हेडिंग एंड्स। सो और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और मैं सारे कोर्स को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो घबराइए नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, हम लोग रिज़ल्ट इसका देखते हैं। सो यहाँ पास देखिए, एक लाइन अभी गायब हो गया क्योंकि मैंने उसे कमेंट आउट कर दिया है, एंड द रिज़ल्ट स्टिल रिमेन्स सेम, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये था पैराग्राफ, हेडिंग, कमेंट आउट और एम्प्टी एलिमेंट्स वगैरह वगैरह। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास से क्या होता है। मैंने बताया कमेंट टैग क्या होता है, फिर मैंने बताया पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, ब्रेक टैग क्या होता है और हेडिंग्स टैग क्या होते हैं। ऐसे ही आप लोग इसे रिवाइज़ करते रहें। आप लोग के लिए मैं एक टास्क बता देता हूँ कि आप लोग एक वेबसाइट बनाएं जिसमें एक तरफ आप पैराग्राफ टैग राइट साइड में करें, वो एट्रीब्यूट के मदद से अलाइन इज इक्वल टू राइट कर दें, और एक साइड में अपने हेडिंग्स टैग्स को डालें। इस तरह से आप बताएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू गाइस फॉर